गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर है ये। ओके, ये क्लास सिक्स का चैप्टर है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का चैप्टर चैप्टर नंबर 8, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। ओके, क्या क्या फीचर्स हैं इस क्लाइमेट के। ओके, और साथ में वेजिटेशन, इंडिया में वेजिटेशन क्या है, What do you mean by vegetation? According to India, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग में वेजिटेशन इंडिया की क्या है। ओके, फिर इसकी वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ क्या है हमारे इंडिया की, क्या चीज़ कंप्राइज करता है हमारे वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो जैसे हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट की हम बात करें तो क्लाइमेट बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट से हमारा समझना क्या है। हम सिंपल कह सकते हैं कि क्लाइमेट, जैसे कि कभी कोई कहता है कि सीजन है, वेदर है, टेम्परेचर होगा कहीं का, बट बेसिकली क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक वहाँ का किसी भी प्लेस का, किसी भी एरिया का वेदर है जिसको हम लोग, जिसकी हम टिपिकली उसकी एवरेज निकालें फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 30 ईयर्स। ओके, 30 ईयर्स तक उसकी एवरेज निकाल कर अगर हम बात करें तो हमें जाके उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट पता लगता है। तो क्लाइमेट इज नॉट वेदर, इट इज अ एस्टिमेट। ओके, इट इज अ एवरेज ऑफ वेदर फॉर अराउंड 30 ईयर्स, 30 सालों तक जो वहाँ का एवरेज निकालेंगे हम वेदर का, उसके थ्रू हम लोग कंप्राइज करते हैं उस एरिया का या उस पर्टिकुलर रीजन का या कंट्री का क्लाइमेट। तो नेक्स्ट, जैसे कि वेजिटेशन की बात करते हैं, तो वेजिटेशन से हमारा क्या मीनिंग है, सबसे ज़रूरी हम क्या जानते हैं वेजिटेशन से हमारा मीनिंग क्या है। वेजिटेशन से हमारा ये मीनिंग है कि वेजिटेशन कोई भी, हम कह सकते हैं कि प्लांट्स, जो भी प्लांट्स हमारे पर्टिकुलर रीजन में, प्लेस में, या फिर कंट्री में, या फिर कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे भी होंगे, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट दे कॉन्स्टिट्यूट आवर वेजिटेशन। ओके, तो वेजिटेशन जो है वैसे तो ये मेजरली 5 टाइप्स की होती है। ओके, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, बुशेज होते हैं, छोटे छोटे ग्रासलैंड्स होते हैं जो, ठीक है, इसमें सिर्फ घास ही घास होगा। ओके, पास्चर लैंड जैसे हम बोलते हैं उनको। ओके, ये होंगे हमारे टुंड्राज होंगे। टुंड्राज आर बेसिकली ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनको काफ़ी डिफिकल्ट होता है ग्रो करने में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सलाइन वाटर ओवर देयर। ओके, तो इसी के साथ हमारे साथ हैं डेजर्ट्स होते हैं, आइस शीट्स होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ से हमारा क्या मतलब है कि वो रेफर करेगा वाइल्ड लाइफ को हमसे, किससे, कि वहाँ के एनिमल स्पीशीज से जो वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, दे आर लिविंग ओवर देयर विदाउट ह्यूमन टच या ह्यूमन एड, विदाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन वो जी रहे हैं वहाँ पे, तो वो हमारे वाइल्ड लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ओके, सो नाउ मूविंग डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो हम लोग यहाँ पे सीधा करेंगे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है हमको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ओके, वी हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ब्रीफली। ओके, जो जो चीज हमें इस क्वेश्चन के बारे में समझ आती है हमें उसको ब्रीफली एक्सपैंड मैनर में सबको डिस्कस करना है सबके साथ। ओके, ओके, नाउ विच विंड्स bring rainfall in India, why is it so important? तो हमें बताना है कि कौन सी winds हैं जो हमारे India में rainfall को लेकर आती हैं। ओके, ठीक है, and why is it so important? Now, so answer over here is that monsoon winds bring rainfall in India. तो हमारे India में जो rainfall लेने लेकर आने वाली विंड्स जो हैं वो हमारी बेसिकली हैं हमारी मानसून विंड्स। ओके, लाइक वी ऑल्सो नो दैट एज हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये हमारा मानसून सीजन है। ओके, जिसमें बारिश होगी। ओके, मानसून सीजन में पर्टिकुलरली बारिश का सीजन। ओके, तो इसी के साथ एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेन्स। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो भी एग्रीकल्चर है वो सारा का सारा डिपेंडेंट है रेन पे, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अ गैम्बल ऑफ मानसून, गैम्बल इन मानसून, सॉरी। ओके, देन गुड मानसून मीन्स सफिशियंट रेन एंड गुड क्रॉप, मतलब कि अच्छा मानसून होगा तो सफिशियंट रेन भी होगी, ठीक है, रेन भी काफ़ी होगी,
और उसके बाद हमें जो हमारी क्रॉप वहाँ पे हार्वेस्ट होंगी, ग्रो होंगी, वो भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। ओके, हैंस मानसून विंड्स, ये मिसप्रिंटेड है, मानसून विंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आर प्रॉस्पैरिटी डिपेंड्स ऑन दिस विंड्स। ओके, तो हमारी प्रॉस्पैरिटी जो है वो भी इन विंड्स पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लाइक मानसून से मतलब क्या है आपका। ठीक है, मानसून जैसे हमने सिंपल कह दिया आपको कि लाइक मानसून इज अ टाइप ऑफ अ सीजन इन विच रेन्स विल अकर, है ना, मतलब कि ये वो हैं जिससे मानसून विंड्स वो हैं या जो मानसून है उसकी वजह से हमारे इंडिया में बारिशें होंगी, वो विंड्स कैरी करेंगी फिर हमारे इंडिया में आएंगी, तो फिर हमारे इंडिया में पर्टिकुलर रीजन्स में जहाँ जहाँ से ये विंड फ्लो करेंगी वहाँ वहाँ पे हमें मानसून पीरियड जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, तो मानसून से हमारा सिंपल मीनिंग ये है कि इट इज़ अ सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग और स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ अ रीजन। ठीक है, तो ये सीजनल चेंज है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग और स्ट्रॉन्ग विंड, जो पहले की प्रीवेलिंग विंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं उनके लिए। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। ओके, द डिफरेंट सीजन इन इंडिया आर, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के सीजन्स कैसे हैं, कि लाइक हम बोलते हैं कि लाइक कि समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन एंड ऑटम सीजन, एंड पर्टिकुलरली इनके नाम हैं जो विंटर सीजन है उसको हम कहते हैं कोल्ड वेदर सीजन। ओके, दैट इज कोल्ड वेदर सीजन जो है वो हमारा विंटर सीजन है, एंड हॉट वेदर सीजन इज आर समर सीजन। देन रेनी सीजन, व्हाट डू यू मीन बाय रेनी सीजन, इट इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन, बिकॉज मानसून जो है वो विंड्स जो हैं वो साउथ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ हमारे इंडिया की जो साउथ वेस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ से वो विंड्स फ्लो करना शुरू करती हैं, फिर जाके वो पूरी कंट्री में जो उसका पाथ है उस पाथ में वो फ्लो करती हैं, उस पाथ में वो मूव करती हैं, और उस पर्टिकुलर रीजन को, उस पर्टिकुलर एरिया को वहाँ पे मानसून का हम देख सकते हैं, वहाँ पे मानसून देख सकते हैं, लाइक कि हम वहाँ पे रेनी सीजन को देख सकते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऑटम, दैट इज सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मानसून, मीन ये सीजन है जिसमें हम मानसून को रीट्रीट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कोल्ड वेदर सीजन इंडिया में हमारा मतलब क्या है इस चीज़ का, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। ओके, हम डिफरेंट सीजन इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि जानते हैं कि जो कोल्ड वेदर सीजन है हमारे, जो हमारे विंटर सीजन हैं वो ज़्यादातर मिड नवंबर से लेकर, मतलब कि मिड नवंबर में हमारे नॉर्थ इंडिया में वहाँ तक, ठीक है, वहाँ से शुरू होते हैं, और ये कब तक रहते हैं हमारे, फरवरी तक। ओके, फरवरी तक ये रहते हैं, तो दिसंबर और जनवरी जो है ये इन विंटर सीजन का, लाइक कि कोल्ड वेदर सीजन के सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं। ओके, और इस टाइम पे क्या होता है कि जो दिन होते हैं वो वार्म होते हैं और रातें जो हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, लाइक दे आर नाइट्स आर कोल्ड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हॉट वेदर सीजन्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉट वेदर सीजन। ओके, तो हॉट वेदर सीजन से हमारा क्या मतलब है, हमारे समर। ओके, तो हॉट वेदर सीजन इज़ आर समर सीजन। ओके, तो इंडिया जो है एक्सपीरियंस करता है हमारे हॉट वेदर सीजन को किस टाइम पे, किस पीरियड में, इट इज़ अ मंथ फ्रॉम मार्च टू मई। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, दैट इज़ अ हॉट वेदर सीजन। ओके, तो इस टाइम पे जो भी होता है, क्या बोलते हैं हमारा, इस टाइम पे हमारे इस सीजन में जो सन की मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड होती है। ओके, और इस टाइम पे ज़्यादातर जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्थ प्लेन्स में, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में अराउंड 40-45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, और साथ में हमारे डेक्कन प्लेट्यूज़ में 35-38 डिग्रीज हो सकता है। ओके, तो कॉमन अकरेंस ऑफ डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं यहाँ पे, तो साथ में गर्मियों में हम लू देखते हैं, स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई विंड्स, दे आर लू। ठीक है, इनको हम लू कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज़ आर साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ओके, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं, तो ये सीजन जो है वो, ये पीरियड है जो वो है हमारा जून से लेके सितंबर तक का पीरियड। ओके, इसी को हम कहते हैं हमारा साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट
जिसकी बात करेंगे हम कि सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, दैट इज़ आर ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन जो है वो हमारा जो सीजन है वो बिगिन करेगा विद द विड्रॉल ऑफ मानसून सीजन। जब हमारा मानसून सीजन ख़त्म होगा उसके साथ ही वो शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ जैसे हम बात करते हैं कि हमारा रेनी सीजन जिसमें चलेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा रिट्रीटिंग मानसून जो है उसको फॉलो करेगा, वो करेगा हमारा सितंबर से नवंबर तक, ओके। और ये कहीं कहीं जगह पे जनवरी तक भी रहता है, ओके। ऑटम सीजन जो है जनवरी तक भी रहता है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, ओके। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की, ओके। तो एज वी ऑल नो वेजिटेशन से हमारा क्या मतलब था, ऑल द प्लांट्स प्लांट स्पीशीज जो भी वहाँ की प्लांट स्पीशीज हैं वो सब की सब हमारी वेजिटेशन में आएंगी, ओके। तो अब जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको हम रेफर करेंगे प्लांट्स की उन कम्युनिटीज़ को, उन स्पीशीज़ को जो कि ग्रो कर रहे हैं नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प, जो ह्यूमंस की हेल्प के बिना या उनके इंट्रैक्शन के बिना, उनकी मदद के बिना जो प्लांट्स की कम्युनिटी किसी भी नेचुरल एरिया में, किसी भी एरिया में या किसी भी रीजन में ग्रो कर रही हैं वो हमारी नेचुरल वेजिटेशन हैं, ओके ओके। नाउ लेट्स डिस्कस, ओके। The grasses, shrubs and trees that grow on their own without any human interference or help are termed as natural vegetation. तो कोई भी, जैसे हम grasses की बात करते हैं, shrubs की बात करते हैं या trees की बात करते हैं, like कि छोटे पेड़ या घास या फिर हमारे पेड़ पौधे, everything, okay? ये सब मिलकर जहाँ पर भी grow करेंगे, okay? जिस भी particular area में, particular region में grow करेंगे without any human interference, मतलब बिना किसी ह्यूमन की इंटरफेरेंस के, उनकी मदद के या उनके उनकी हेल्प से, बिना उनकी हेल्प के, तब जाकर हमें वहाँ का एक रीजन का एक पर्टिकुलर वेजिटेशन मिलेगा, पर्टिकुलर नेचुरल वेजिटेशन हमें मिलेगा, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन, ये भी मिसप्रिंटेड है, फाउंड इन इंडिया है यहाँ पे, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये चैप्टर ही हमारा इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में है, इंडिया के क्लाइमेट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में है ये चैप्टर। तो यहाँ पे भी ये जो डी क्वेश्चन है, डी पार्ट है इस क्वेश्चन का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन वेजिटेशन, ओके। तो इसका आंसर जो है वो है सिंपल कि लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। लेट डिस्कस अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और हम इनको ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं, ओके। तो ये फॉरेस्ट जो हैं वो बाउंडेड होते हैं लाइक कि हैवी रेनफॉल से, कि यहाँ पे इस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी, हैवी रेनफॉल होगी, मीन्स हैवी रेनफॉल होगी यहाँ पे, और इनके एरियाज हैं लाइक कि वेस्टर्न घाट हमारे इंडिया के, हमारे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ओके। अपर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड असम, ठीक है, असम के अपर पार्ट्स हैं और तमिलनाडु का कोस्टल पार्ट है, ठीक है। एंड द ट्रीज जो यहाँ पे ट्रीज ग्रो करेंगे उनकी हाइट लगभग से ज़्यादा अप टू 60 मीटर्स अबव होगी, मीन 60 मीटर्स तक की उनकी हाइट होगी ही होगी, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ये सेकेंड टाइप है, ओके, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट भी ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, ओके, फॉर पार्ट ऑफ द ईयर फॉलोड बाय द मार्क ड्राई सीजन, मतलब ड्राई सीजन के बाद यहाँ पे हमें हैवी रेनफॉल दिखती है, ओके। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं, काफ़ी घने जंगल होते हैं, लश होते हैं, मीन्स काफ़ी ग्रीन होते हैं, ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं साथ में, ओके। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो लेस देन 70 सेंटीमीटर है, ओके। द वेजिटेशन इन दिस फॉरेस्ट आर थ्रॉनी ट्रीज एंड बुशेज, ओके। तो जहाँ की जो वेजिटेशन में है वहाँ पे हमें थ्रॉनी ट्रीज मिलते हैं और साथ में बुशेज मिलते हैं, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट थ्रॉनी बुशेज, ओके, ओके। अब हम बात करेंगे थ्रोनी बुशेस के बारे में। तो हम जैसे बात करते हैं थ्रोनी बुशेस, तो ये जो थ्रोनी बुशेस हैं ये हमारे पार्ट होंगे किसके, थ्रॉन फॉरेस्ट के,
जो कि हमारे सेमी एरिड एरियाज में मिलेंगे, जो कि हमारे राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है और साथ में हरियाणा में भी है। ओके, तो वहाँ वहाँ पे हमें ये सब मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम बात करेंगे अभी माउंटेन वेजिटेशन की। माउंटेन वेजिटेशन से हमारा क्या मतलब है कि जो वेजिटेशन माउंटेनियस रीजन्स पे होगी वो, उससे हमारा मीनिंग है हमारे इस माउंटेन वेजिटेशन के अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए, जो भी माउंटेन्स हायर आल्टीट्यूड्स पे होंगे, हाईएस्ट हाइट पे होंगे, हायर हाइट्स पे होंगे, उस टाइम पे जो वेजिटेशन वहाँ पे फाउंड होगी वो हमारी माउंटेन वेजिटेशन होंगी। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं यहाँ पे हमारे श्रब्स या स्मॉल ट्रीज जो होंगे वो देखे जाते हैं, वो ग्रो करते हैं यहाँ पे। ओके, तो जो मैंग्रोव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं हमारे कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, कोस्टल सेलाइन एरियाज़ में या ब्रैकिश वाटर में। ठीक है, ओके ओके, तो इसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को ये भी कह सकते हैं, दे आर द ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन ऑल्सो। ओके, वेरी नाइस। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसीडियस फॉरेस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो एज यू ऑल नो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट से हमारा क्या मतलब था, दे आर द रेन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होंगी। ठीक है, इनके पार्ट्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, वेस्टर्न घाट, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, असम के कुछ पार्ट्स, अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु के कोस्टल पार्ट्स, और यहाँ की जो ट्रीज़ की हाइट होगी वो अप टू 60 मीटर्स और अबव होगी। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं, मीन्स यहाँ पे पेड़ों की जो पेड़ जो होते हैं इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि लाइक इतने ज़्यादा पास होते हैं कि लाइक यहाँ पे आपको सन लाइट भी जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है, बिकॉज ऑफ सो मच ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट ओवर देयर। ओके, दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ठीक है, इनमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं ये भी, जैसे बाकी ट्रीज होते हैं कि लाइक दे फॉलो अ पर्टिकुलर सीजन, उसके बाद ये अपने शेड्स करते हैं लीव्स को, लीव्स उगती हैं यहाँ पे किस पर्टिकुलर पीरियड में, किस पर्टिकुलर ईयर में। ओके, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी, और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वो है महागोनी, इबोनी एंड रोजवुड। ओके, तो ये यहाँ के मेजर मेजर ट्रीज हैं। ठीक है, इबोनी, महागोनी एंड रोजवुड, रोजवुड एज वी ऑल नो शीशम। ओके, देन दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो ये हमें कहाँ मिलते हैं फॉरेस्ट, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे, पार्ट ऑफ मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे, और साथ में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एज जैसे हमने बात की कि अपर पार्ट्स ऑफ असम। ओके, एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इसके साथ नेक्स्ट डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस फॉरेस्ट आर नॉट सो डेंस, ये फॉरेस्ट इतने डेंस नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसीडियस मीन्स टॉकिंग अबाउट डेसीडियस फॉरेस्ट, दे आर नॉट डेंस, दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट दे ऑल्सो शेड देयर लीव्स। ये भी अपने ट्रीज में अपने लीव्स को शेड करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, और डेसीडियस फॉरेस्ट जो हैं हमारे इंडिया में ये लार्ज पार्ट में है हमारी कंट्री में, और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वो हैं हमारे साल ट्री है, टीक ट्री है, पीपल है, नीम है और शीशम है। लाइक यू ऑल नो शीशम इज रोजवुड। ओके, देन जो ये एरिया है मीन्स डेसीडियस फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे फाउंड होते हैं, वो हमारे होते हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र में भी हमें दिखाई देते हैं कि ये फॉरेस्ट जो डेसीडियस फॉरेस्ट हैं इनकी जो पैदावार है इन पेड़ों की, इन फॉरेस्ट की जो है ये इन इन पर्टिकुलर एरियाज़ में, लाइक कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जैसे हमने बात की थी कि लाइक कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, तो हमें बताना है यहाँ पे कि वाई हम इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं। ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चन,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर्स ग्रीन एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. एज वी ऑल नो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन से हमारा क्या मतलब है कि जिस एरिया में हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है, और ये यहाँ पे जो ट्रीज़ होंगे उनकी हाइट जो होगी 60 मीटर से अबव होगी और वहाँ पे जो सनलाइट है वो भी ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है, इतने डेंस होते हैं वो फॉरेस्ट. तो इसी की वजह से वो हमें लश ग्रीन भी हैं, ठीक है, एवरग्रीन हैं, दे आर रेनी फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, एवरग्रीन भी हैं, ठीक है, लश फॉरेस्ट हैं. तो इसी की वजह से हम उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टेक द करेक्ट आंसर्स. ओके, नाउ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, ओके, तो हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, इसका आंसर है थर्ड पार्ट मिजोरम. ये एन है, यू नहीं है, ये स्प्लेंडेड है ये. ओके, तो ये है इसका आंसर. तो इट इज़ अ टाउन, ये जो मिजोरम है ये टाउन है हमारे मेघालय में, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है ये मेघालय में. तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है. ओके ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, दे कैन थ्राइव इन सलाइन वाटर, दैट इज फर्स्ट. ओके, क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमने कहा आपको कि लाइक कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वहाँ पे इसी किसी भी मैंग्रोव में क्या होगा, वहाँ पे स्मॉल श्रब्स, स्मॉल ट्रीज होंगे, श्रब्स होंगे जो ग्रो करेंगे किसी भी कोस्टल सलाइन या फिर ब्रैकिश वाटर एरिया में. ओके, इनको हम साथ में ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन भी कहते हैं. ठीक है, टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ सच स्पीशीज, मतलब उन टाइप के पेड़ पौधों के लिए जहाँ पे स्मॉल या फिर श्रब्स जो उगेंगे उनकी वजह से हम इनको ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन का नाम भी देते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द पार्ट थर्ड, महागोनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन, जैसे कि हमने बात की थी कि लाइक कि हमने एग्जांपल्स आपको दी थी कि मेजर जो ट्रीज हैं लाइक कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के और डेसीडियस फॉरेस्ट के, तो उसमें हमारा ये आंसर जो है वो है पार्ट थर्ड, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. बिकॉज जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि लाइक वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं जो ग्रो करेंगे वो हमारे हैं कौन से, महागोनी, ईबोनी एंड रोजवुड. ओके, नाउ मूविंग टू द पार्ट फोर, वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन, तो वाइल्ड गोट्स जो हैं और स्नो लेपर्ड जो हैं वो हमारे फाउंड होंगे कहाँ पे, वो होंगे हमारे हिमालयन रीजन्स में. एज वी ऑल नो हिमालयन रीजन्स हमारी स्ट्रेच करती हैं हमारे नॉर्थ, ग्रेट हिमालय का जो बेल्ट है वहाँ पे. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, जैसे हम सब जानते हैं कि जो ये साउथ वेस्ट मानसून पीरियड है लाइक कि विंड जो कैरी करेगी मानसून को, ठीक है, दिस इज द विंड दैट कैरी रेनफॉल. ओके, ये रेनफॉल कैरी करती आती हैं, ठीक है, और ये साउथ वेस्टर्न रीजन से आती हैं. ओके, तो वहाँ पे ये कैसे आएंगी, दे विल कैरी मूव इन अ वे लाइक कि सी टू लैंड. ओके, आंसर इज सी टू लैंड, सेकंड पार्ट सी टू लैंड, वो समुद्र से हवाएं हमारे लैंड पे आएंगी, साउथ वेस्टर्न रीजन पे आएंगी, फिर वहाँ से वो एक पाथ, कर्व्ड पाथ है इनका, वो फॉलो करेंगी, उसी के अकॉर्डिंगली ये ब्लो करेंगी उस रीजन में. तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स. तो हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज डैश ब्लो ड्यूरिंग द डेज इन अ समर, जैसे कि हमने बात की क्लाइमेट में जहाँ पे हमने बात की थी हॉट वेदर सीजन्स के बारे में लाइक कि अवर समर सीजन, तो समर सीजन में जो लू है, ठीक है, लाइक लू इज कॉल्ड एज हॉट एंड ड्राई विंड्स. ओके, देन इसका आंसर भी है वो है एल डबल ओ, लू. देन मूविंग टू द पार्ट बी, द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, तो ये कब रेनफॉल को रिसीव करेंगे हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दे विल रिसीव दैट इन रिट्रीटिंग मानसूनस. ओके, आंसर इज रिट्रीटिंग मानसूनस. ओके, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ डैश, तो एज वी ऑल नो गिर फॉरेस्ट जो है इज इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस. ओके, मीन यहाँ पे एशियाटिक लायंस
लाइंस की जो स्पीशीज़ है एशियाटिक लाइंस की वो यहाँ पे मिलती है हमको। तो गिर फॉरेस्ट जो हैं हमारे, ये गिर फॉरेस्ट जो हैं गुजरात में हैं और इनको हम सासन गिर भी कहते हैं। और ये एस्टेब्लिश कब हुए थे, ये एक नेशनल फॉरेस्ट है, गिर नेशनल फॉरेस्ट है, गिर नेशनल फॉरेस्ट है, ओके। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में, ओके। देन मूविंग टू द डी पार्ट, डैश इज अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। एज वी ऑल नो, सुंदरी जो है वो एक वेल नोन स्पीशीज है मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट, डैश आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट किनको कहेंगे हम, दे आर ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ओके। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, या कुछ और जो समझना हो या समझ नहीं आया हो, यू कैन कमेंट अस एंड वी विल गेट बैक टू यू, ओके। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, धन्यवाद।